बात करने के लिए है बास्केटबॉल खिलाड़ी पी अनीता जी, लखनऊ में आई हैं और जानते हैं कि किस मकसद से यहाँ पर आई हैं। अनीता जी, पहली बात तो लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप पद्म श्री अवार्ड भी जो है पा चुकी हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले बहुत खुश था लखनऊ आने के लिए। मैं तो खेलने के टाइम आया था, बहुत पसंद आते हैं लखनऊ मुझे। सो अभी तो मैं केले मास्टर गेम्स फाउंडेशन के लिए आया था, इधर एजीएम मीटिंग, सेकेंड एजीएम मीटिंग। इस बार लखनऊ में नेशनल्स होने वाली है, शायद मई में होने वाली है। ये मास्टर्स मतलब पहले खेल ख़त्म होने के बाद फिर भी वापस हम लोग लाइफ लॉन्ग खेलने के लिए, ये तो प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो अभी मैं इसमें मेंबर हूँ, तो होपफुली अच्छा से नेशनल्स करके ज़्यादा प्लेयर्स खेलने के लिए मौके मिले। जब आपको इस पद्म श्री के लिए नॉमिनेट किया गया होगा तो किस तरीके की मन में फीलिंग आ रही थी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक्चुअली बहुत खुश हो रहे थे बिकॉज 18 ईयर्स मैं इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे और 10 ईयर्स मैं तो इंडियन टीम कैप्टन हो रहे थे। मैं हमेशा सोचती हूँ कुछ तो कुछ अवार्ड मिल जाएगा तो वो गेम ऊपर जाते हैं, एस्पेशली गर्ल्स को मिल जाए तो मुझे देख के ज़्यादा लोग आते हैं खेलने के लिए। सो ये अवार्ड तो नेक्स्ट लेवल हो गया बास्केटबॉल गेम के लिए। सो बहुत बहुत खुश है मेरे लिए और बच्चे लोग आके बास्केटबॉल गेम खेलने के लिए। ये बताइए कि लड़कियों को इस विधा में कैसे जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या चुनौतियाँ, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुकी हैं, तो आप क्या चुनौतियाँ देखती हैं, किन चुनौतियों के लिए लड़कियों को तैयार होना चाहिए खिलाड़ी बनने के लिए? एक्चुअली लड़की लोग क्या मतलब पहले इंजरी ज़्यादा होते हैं स्पोर्ट्स में, वो इंजरी की वजह से ज़्यादा लोग बच्चे लोग फटाफट छोड़ देंगे, वो कभी भी नहीं होना है। हमेशा गर्ल्स का ज़्यादा विल पावर होता है, वो विल पावर में वापस आना है और हम लोग उसके बाद गर्ल्स का तो ज़्यादा मतलब डिफरेंट लाइफ्स है, मतलब मैरिज होते हैं, मैरिज के बाद बच्चे होते हैं और बच्चों को देखना है और गेम खेलना है, एकदम मुश्किल होगा वो बैलेंस कभी भी सब लड़की लोगों को मालूम नहीं है। वो अच्छा से बैलेंस हो गया तो हम लोग गेम के ना मैं कैसे खेला पा, 18 ईयर्स में तो दो बच्चे के बाद इंडियन टीम खेल रहे थे, तो फैमिली सपोर्ट भी मिल जाएगा तो अच्छा से हो सकता है। मैम ये बताइए कि इस समय जो है किसान आंदोलन चल रहा है, तो बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार और हॉलीवुड के स्टार पार्टी उसमें जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो खिलाड़ी भी कई लोग हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली अभी तो स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट लोग ज़्यादा जीते हैं और नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा होते हैं। सो हम लोग का मतलब गेम्स अदर गेम्स लाइक बास्केटबॉल वॉलीबॉल टीम गेम्स अभी ऊपर आ रहे हैं, ये सब ये टाइप ऑफ अवार्ड्स में हम लोग अच्छा मिल रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पी अनीता जी, कैमरा मैन विशाल के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ से।